आज हमारे साथ मनोज भाई है। बहुत शुक्रिया आप आए, इतनी दूर से आए भाई, जल्दी समझते होंगे आप। हाँ। बढ़िया, जो भी लोग देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। एक तो भाई बहुत दूर से सिलेट से आए यहाँ पर और स्पेशली जब मिलने आए तो मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपको इतना प्यार दिया। आप अभी इस मैच के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या मैं उमराद मलिक को टीम में हूँ या फिर कुलदीप सिंह को एक और मैच खिलाओ? आई थिंक मेरे ख्याल से उमरान मलिक पहले मैच तक अवेलेबल नहीं थे, आई थिंक वो आए बाद में है और उमरान ने न्यूजी में भी खेला था। मुझे लगता है कि इमरान मलिक की स्टार्ट करेंगे मोस्ट लाइकली कैन फील्डिंग सीरीज के तौर पर। और हो सकता है कि अक्षर को भी थोड़ा सा इंजरी का इशू था, अगर अक्षर पूरी तरीके से तैयार हुए प्रैक्टिस में आज आए थे, रनिंग वगैरह करी, वार्म अप करा, बॉल भी डाली, तो अगर वो भी शायद फिट होंगे तो शायद अक्षर पटेल भी आगे खेलते दिख जाएंगे। हो सकता है इंप्रेस ऑफ सवाल सवाल है वो है इंडिया हमेशा पहला मैच हार जाता है और बाद में कमबैक कर जाता है, ये पता नहीं यार कौन सी बुरी आदत है जो लग गई है। वो आज शिखर धवन ने भी बोला कि हमें मतलब हम यूज टू है ऐसी सिचुएशन के, यूज टू नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये बायलैटरल सीरीज है, वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट जिस तरीके का था, अब तो खैर टीम तो और आ जाएंगी, बट आप एक मैच हारते थे आप नॉकआउट बन जाना टूर्नामेंट, तो ये शायद इंडिया को अवॉइड करनी चाहिए। इंडिया थोड़ा सा लेट जाती है और अब ऐसा नहीं कि हर बार ही आप कम बैक करेंगे। तो यहाँ पर बांग्लादेश है पहला मैच जीत गई है तो कल आएंगे, पूरी इंटेंशन इनकी हुई की सीरीज गेम, आज इनके कोच आए थे बागत हुसैन ने कल कहा कि अभी हम सिर्फ मैच जीते हमें सीरीज जीतनी है, तो ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और एक देखो इंडिया को हर कोई बोलता है कि वर्ल्ड बेस्ट टीम, वर्ल्ड क्लास टीम, तो आपको फिर ऐसी परफॉर्मेंस अगर आप दोगे तो कहीं ना कहीं आप कहीं पर लैग करते हो। एक टॉप क्लास और जो कहते हैं कि एकदम सबसे मजबूत टीम से आप इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करते। एक और सवाल, अभी तो बांग्लादेश टीम अभी जो मीरपुर में मैच है, मीरपुर इज होम ग्राउंड, बिल्कुल पब्लिक भी पूरी सपोर्ट है, पर चिटागोंग में जब जाएंगे तब इंडिया रन चेस रन टेस्ट हो जाएगा, चिटागोंग में बहुत रन भी था तो वहां पे रोहित कोहली और सब लोग आ जाएंगे, बिल्कुल गुड फॉर इंडिया। बट आप लोगों के लिए ना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि सीरीज फील कर दो, वो डेड रबर कर दो, कि आप वहां का 400 रन मार देना तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपकी जो सीरीज इन बहुत बड़ी हो जाएगी और इंडिया लास्ट टाइम भी सीरीज हारी थी, इस बार भी हार जाएगी तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी ऑलरेडी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस हमने देखा कि विद द बैट भी वो नहीं कर पाए, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल की गेम, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। और हम लगातार जब बात भी करते हैं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश एक टाइम था जब लगता था कि बांग्लादेश बन रही थी, अब वो बन गई है, उसके पास इंडिविजुअल भी है, तो अब उनको आगे और करना, मतलब एक आधा मैच जीत कर भी नहीं होता कि टॉप टीम के अगेंस्ट, अब धरपन की बात नहीं बाहर जाकर भी साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत गई, न्यूजीलैंड में एक टेस्ट मैच जीता, तो अब सीरीज गेम्स में टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल ट्रॉफी ऐसी सोच रखनी चाहिए, तो वो माइंड सेट डेवलप करना चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट को भी अब, और तभी उनकी जर्नी जो है नेक्स्ट लेवल जाएगी। अब वो नेक्स्ट लेवल एक तो आ चुके हैं ऊपर, अब यहीं पर काफी लंबे टाइम से हैं वो, तो अब उनको उससे आगे जाना पड़ेगा, और जब वो तभी होगा जब आप चैंपियनशिप जीतोगे, वो आई थिंक करना चाहिए। वो है लोकेश राहुल को हमेशा मैंने टॉप थ्री पे आईपीएल जैसे उनके, अभी उसको सडनली विकेट कीपिंग, सडनली पांच पे खेलो, उसके 50-70 रन भी बना दिए, पर मैं सतर्न तो नहीं मानता क्योंकि ये इसके जगह नहीं है। आप क्या सोचते हैं, इसको यहाँ पे खिलाना चाहिए या फिर इसको आउट कर देना चाहिए? आई थिंक देखो T20 में जरूर उन्होंने स्ट्रगल किया वर्ल्ड कप में, पर्टिकुलरली जो बड़े मैचेस थे वहां पर नहीं आए रन, बट वन डेज में जब के एल राहुल बाहर हो गए थे, वो टोटली बाहर थी टीम से, तो जब उन्होंने कम बैक किया तो उनको एज कीपर बैटर किया और की पोजिशन पर खिलाया, नंबर 5 नंबर 6, तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा भी किया है। तो कल जब हम बात कर रहे थे इस मैच से पहले, फर्स्ट मैच से पहले, तो हम यही कहते कि जो भी बाहर बैठेगा वो अगर ऋषभ पंत में या के एल राहुल में थोड़ा सा अनफेयर होगा कि परफॉर्मेंसेज दोनों की है, बट के एल राहुल मतलब आई थिंक अभी यहाँ पर इस पोजिशन पर खेलने से मैं उनको भी बाहर तो नहीं करूंगा, और ना ये उसको उस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि T20 में नहीं कर पा रहे उस तरीके से, तो आप वनडे से भी बाहर कर दो। T20 में जरूर उनकी जगह पर सवाल है, लेकिन वनडे में आई थिंक उनकी जगह पर अभी इतना बड़ा सवाल नहीं है। कैच भी ड्रॉप कर दिया उन्होंने, हाँ वो तो चलो हो जाता है। ब्रो थैंक्स।